नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे फैमिली हैं, तो उनको सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको तन धन मन से सब गणपति बापा सुखी रखे। तो यहाँ पर आज हमने बनाया उकली का मोदक। बनाना बहुत आसान है और खाने में भी इतना ही टेस्टी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर एक कप मैंने चावल का आटा लिया। दोस्तों कौन सा भी चावल आप आटा लेना है वो चक्की से पीस के लाना है। इसी तरह से हमें एकदम पाउडर के जैसे चाहिए। देखो एकदम पाउडर के जैसे। नेक्स्ट प्रोसेस। अभी यहाँ पर एक कप मैंने चावल का आटा लिया, तो यहाँ पे मैंने आधा कप थोड़ा ही पानी लेना है, थोड़ा ही लेना है बस। और यहाँ पे हल्का सा हमें घी डाल देना है, शुद्ध घी डालना है, क्योंकि गणपति बापा का प्रसाद बना रहे घी। और पानी को अच्छी तरह से उबाल लेते हैं। यहाँ पर पानी अच्छी तरह से उबाल है, चमचे को उल्टे से पकड़ना है, इसको ऐसे से पहले घुमा लेना है, क्योंकि घी डाला था हमने अच्छी तरह से। और धीरे धीरे करके हमें इसे उसका स्टीम कर लेना है इसी तरह से। और गैस की फ्लेम हमें धीमी कर लेनी है दोस्तों, और इसकी उपल निकाल लेनी। ये परफेक्ट है, इसका माप एक कप में आधा कप पानी चाहिए। ज्यादा पानी डालोगे तो अच्छा बनेगा, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते स्टीम। अभी आप देख रहे हो एकदम परफेक्ट है, हो गया है स्टीम। ऐसा ही ना एकदम खिलखिला चाहिए। ज्यादा एकदम ज्यादा पानी डालोगे तो एकदम अच्छी तरह से मतलब लुआ बन जाता है, तो हमें ऐसे नहीं चाहिए। अभी हम इसको 2 मिनट के लिए ढकेंगे, सिर्फ 2 मिनट। इसको जो स्टीम होती है वो अच्छी तरह से हमारे चावल पकने चाहिए, यानी आटा। अभी यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आप चेक कर सकते हो। देखो एकदम परफेक्ट गर्म है। अभी हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। अभी एक कप में कितना आटा एकदम डबल हो गया है दोस्तों, गर्म गर्म है। इसको हमें जैसे हमें ऐसे लगता है गर्म, उसमें ही हमें इसका आटा गूंद लेना है धीरे धीरे करके। अभी ये गरम गरम है ना दोस्तों, अच्छी तरह से इसे थोड़ा थोड़ा पानी करके गूंद लेना आटा, यानी एकदम परफेक्ट हो जाता है। चिकना डो होना चाहिए और गरम गरम में आटा गूंदना है। ठंडा हो जाएगा तो भी जो मजा आएगी वो मजा आने वाली नहीं मोदक में, तो इस बात का ध्यान देना है। एकदम थोड़ा पेशेंस रखना, पर बनता बहुत अच्छा है मोदक। तो इसको अच्छी तरह से हम लोग डो बना लेते हैं। अभी डो अच्छी तरह से बन गया है दोस्तों, आप देख रहे हो इसी तरह से एकदम चिकना, आपको बता देंगे हम इसी तरह से। अभी हम इसका स्टफिंग बना लेते हैं, कैसे बनाना वो भी बताएगी। अभी यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली, यहाँ पे 1 चम्मच हमने अच्छा वाला घी डाल देना है। तो घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। अभी घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने 1 कप गुड़ लिया हुआ, इसको कैसे कट कर लिया हुआ है। और इसके साथ ही मैंने 1 कप नारियल लिया हुआ, वो भी इसके साथ ही डाल देना है। और यहाँ पे वेलची डालने में थोड़ा स्टफिंग अलग बनाना चाहूंगी दोस्तों, खाने में बहुत टेस्ट होती है। अभी हम इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं। अभी आप देख रहे हो बहुत सारे क्या होते हैं, पहले गुल मेल्ट करते हैं, बाद में सब कोकोनट ड्राई फ्रूट में। हम लोग खाली 2 ही चीज से बनाने हैं स्टफिंग, कोकोनट यानी गुड़ बस, और वेलची डालना है। इससे भी बहुत बढ़िया अच्छा खाने में बहुत अच्छा लगता है मोदक, और गणपति बापा तो बहुत खुश होते हैं। हाँ दोस्तों, आपको बहुत सारे मोदक देखना हो तो मैंने पहले ही वीडियो बहुत अपलोड करके रखे हुए थे, तो मैं यहाँ पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां से आप मोदक देख सकते हो। सूजी का मोदक है, चॉकलेट मोदक है, बहुत सारे हैं दोस्तों, आप प्लीज देख लेना है। मैंने इस वीडियो में दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, तो वहां से आप देख सकते हो। यानी यहाँ पे 10 दिन के 10 मोदक हो जाएंगे। यहाँ पे अच्छी तरह से हम लोग इसको चला लेंगे। अभी यहाँ पे मुझे मावे जैसा चाहिए, अभी थोड़ा देख रहे हो। यहाँ पे 1 चम्मच हमें चावल का आटा डालना है, इसके साथ ही जो मावेदार लगता है दोस्तों, ये इसकी बात का टिप्स है, ये बहुत अच्छा लगता है। चावल का आटा कंपल्सरी इसमें डालना है, रवेदार यानी मावे जैसा लगता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो हल्का सा डालना, 1 चम्मच डाल देना। अभी हम इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं। देख रहे हो कितना परफेक्ट, अभी ये पूरा गुड़ भी मेल्ट हो गया हमारा। अभी हम इसको गैस बंद कर देते हैं और 1 प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। अभी आप देख रहे हो एकदम परफेक्ट हो गया है ये रिजल्ट आपके सामने। अभी हम गैस बंद कर देना और 1 प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेड़ा बना लिया दोस्तों, देख रहे हो इसी तरह से गोल गोल। और यहाँ पे मैंने सूखा डो ले लेना है, तो इसको ऐसे डस्ट करना, यानी ये डो चिपकेगा नहीं हाथों को इसी तरह से। बहुत सारे पानी भी लगाते हैं पर हम लोग डो लगाएंगे, क्योंकि इजी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। और पूरी के जैसे इसको बेलना है इसी तरह से। अभी यहाँ पे मैं पानी ले लेती हूँ, पानी को इसी तरह से स्प्रेड कर लेती हूँ, यानी ये अंदर से जब हम इसको स्टीम करेंगे एकदम अच्छी तरह से, जो बहुत अच्छी लगती है, एकदम सॉफ्ट लगता है खाने में डो। अभी यहाँ पे मैंने गीला कर लिया उंगली को ऐसे मैंने 5वें में कर डाला है गीला। अभी यहाँ पे मैं ऐसे करना है, इसे दबा लेना है, यानी ये लेयर कलिया होती है, बहुत अच्छी बनती है। देख रहे हो इसी तरह से, यानी कटोर के जैसे इसका शेप आना चाहिए। जितने आप कलिया लोगे ये इतनी ही मोदक का जो दिखता है बहुत भारी दिखता है। ये बिना सांचे का हम लोग बना रहे हैं दोस्तों, और यहां से भी नीचे से थोड़ा हल्का हल्का दबा देना है, यानी कलिया नीचे तक हमारी दिखनी चाहिए।
इसी तरह अभी यहाँ पे हम लोग स्टफिंग ले रहे हैं, स्टफिंग हमारा ठंडा हो चुका है तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। इसी तरह से इसमें भर देना है, थोड़ा कम ही भरना है, बहुत नहीं भरना है नहीं तो खुल भी जाता है कभी कभी, तो इस बात का आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैंने भर लिया हुआ है, आप देख रहे हो। इसी तरह से कलियाँ देखो कितनी परफेक्ट। अभी हम हाथों को ऐसा लेना है, हल्के हल्के हाथों से लेना है दोस्तों, हल्के 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 हाथों से लेना है। इसी तरह से ये अपने आप कलियाँ ऊपर आ ही जाती है। और जो भी एक्स्ट्रा होगा वो डो निकाल लेना है हमें, और इसको हल्के से ऐसे दबा देना है। देख लो कितना सुंदर बड़ा वाला मोदक हो गया, रिजल्ट आपके सामने, कलिया भी कितनी परफेक्ट है। तो बाकी के सारी मोदक हम ऐसे बना लेते हैं, बाकी के सारे मोदक मैंने बना लिए, देखो रिजल्ट आपके सामने। और यहाँ पे मैंने केली का पान रखा है, उसमें हमने घी लगा लिया है दोस्तों, यानी ये जो स्टीम होगा तो निकलने में आसान तरीका हो जाएगा। अब यहाँ पे केसर के धागे लेने, ऐसे ही डाला, जब ये स्टीम होगा तो केसर का धागा का कलर जो येलो होता बहुत अच्छा आता है। इसी तरह से हमें केसर के धागे लगा लेने हैं दोस्तों, जब स्टीम होगा तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसे लगा लेते हैं। देखा दोस्तों मैंने केसर के धागे लगा लिए, अभी इसको स्टीमर रख लेते हैं। अभी यहाँ पर पानी अच्छी तरह से उबालना स्टार्ट हो गया, देख रहे हो आपके सामने। अभी यहाँ पर हम लोग स्टीमर रख ले गए, पहले पानी अच्छी तरह से गर्म कर लेना चाहिए इसी तरह से। और अभी हम इसको 15 मिनट के लिए स्टीम करके, सिर्फ 15 मिनट। अभी यहाँ पर 15 मिनट हो चुके, चेक कर लेंगे मोदक। वाह देखो केसर का कलर कितना परफेक्ट आ गया एकदम, और कलिया भी कितनी बड़ी हो गई है, यानी फुल गया है मोदक। अभी हम गैस बंद कर देते और एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, देखा ना गणपति बाप्पा का प्रसाद हो गया रेडी। अभी कल हमारे गणपति बाप्पा आने ही वाले हैं, तो आप सबको सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। रिजल्ट देखो मोदक कितना परफेक्ट, और बनाना भी उतना ही आसान है। कलिया कितनी परफेक्ट आ गई है ना, तो हमें तोड़ के भी बताएंगे दोस्तों, बहुत अच्छे। अंदर से स्टफिंग देख लेना है, वाव मस्त, आहा कितना एकदम यम्मी यम्मी। इस साल तो गणपति बाप्पा एकदम खुश होने जाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, घर पे बनाना है और मुझे कमेंट करनी है, और लाइक करना है और शेयर करना, और ऐसे ही सपोर्ट करना और ऐसे ही प्यार देते रहना है। धन्यवाद दोस्तों।